अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम टू अम्मार फारूकी ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज नए दिन का आगाज, नए व्लॉग का आगाज और नई मंडी के साथ आज हम लोग आए हैं जी। ये मंडी लगी हुई है कोरंगी में और आज मेरे साथ मरियम, आमना और रहमा मौजूद है और आज हम लोग यहाँ परचेजिंग करने के लिए आए हैं। लेट्स सी कि अगर कोई जानवर हमें समझ में आता है और हमारी प्राइस पर आता है तो हम इंशाल्लाह उसकी परचेजिंग करते हैं। सो आप लोगों को दिखाते हैं, पहले जरा आप दिखा दें। अच्छा, अभी जो है वो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली क्योंकि 10-11 दिन रह गए हैं जिसकी वजह से मंडी जो है वो पूरी तरीके से जैसे कहते हैं कि डेवलप क्या यानी भरी हुई नहीं है, तो कम जानवर हैं। और क्योंकि इस दफा जो है ना स्कैटर्ड मंडी हुई भी है, पहले ये होता था जैसे एक जगह लगती थी, अब मुख्तलिफ जगहों पर मंडियां लग रही हैं, तो काले पुल पर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। तो आज हम कोरंगी की मंडी में आए हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं जानवर। आ जाओ। तो जी अभी हम लोग ये आ गए हैं गोट्स देखने के लिए। और क्या दो दांत क्या मांग रहे हो? प्राइस बता दो, कीमत 80,000 इसके। ये सारे दो दांत हैं, इसके क्या मांग रहे हो? अंदर आ जाओ, मैं बुरा तो नहीं मानोगे। अच्छा जी भाई, ये भी 80,000 रुपए मांग रहे हैं इसके, सारे 80-80 के खड़े में। और इसके व्हाइट वाले के, ये वाला यार बेचने वाले हैं या सारे सिर्फ दाम बताने वाले हैं? मैं खरीदने वाला हूँ, पैसे मेरे पास मौजूद है, मैं खरीदने के लिए आया हूँ। भाई बेचने वाला है, आप बता दो ना, हमने तो बता दिया। इसके क्या मांग रहे हो? इसका 120। ये 120 वाला है। तो ये आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, तो प्राइसेस आप लोग देख रहे हैं इन चीजों की। चलो, कोई नॉर्मल वाला है? 40-50 वाला? 40-50 वाला नहीं है भाई। भाई कह रहे हैं 40-50 वाला बकरा इस वक्त आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो महंगाई आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ माशाल्लाह मजमा भी खड़ा हो चुका है। आ जाओ। और ये हमारी, आ जाओ गर्ल्स, आ जाओ। चलो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उसके क्या मांग रहा था इम्तियाज? बेच चुका है, बहुत खूबसूरत था वो, मेरे ख्याल में खरीद लिया उन लोगों ने। आ जाओ, और देख कर पीछे आ जाओ। तीन मांग रहा था एक के, 80,000 क्या होता है? 80,000। और ये अब हम लोग जा रहे हैं जी, बकरे जो है वो बहुत ज्यादा महंगे, यानी यहाँ पर तो उस मंडी से भी ज्यादा महंगे, वहाँ 65,000 रुपए का था, यहाँ 80,000 रुपए का एक बकरा मिल रहा है। और द गर्ल्स आर वेरी एक्साइटेड और ये लोगों का पहला एक्सपीरियंस है। कल आप लोगों ने देखा कि रहमा आई हुई थी, आज ये लोग आए हुए हैं मेरे साथ और इन लोगों ने कहा आज हम लोग चलेंगे। डोंट बी पैनिक, ओके, डोंट पैनिक, कोई बात नहीं, डोंट पैनिक, कोई मसला नहीं, बी चिल, आराम से सब कुछ हो जाएगा। आगे आओ इम्तियाज, आगे आओ। अच्छा जी, तो ये और भी बकरे आए हुए हैं, ये हम लोग देखते हैं और पता करते हैं इन लोगों की प्राइसेस जी। अम्मार फारूकी ऑफिशियल, हाँ चलो आ जाओ। कहाँ है गर्ल्स? कहाँ है गर्ल्स? स्टे विद मी, स्टे विद मी, ओके, बस स्टे हियर, ओके। अच्छा जी, बस क्या मांग रहे हो उसके यार? कुछ क्या कर रहा है भाई है? और इसके क्या मांग रहे हो? कुछ बन सकती है हमारी बात इधर? बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती सर, है बेचने के लिए, आप भी हो मैं भी खरीदने वाला हूँ। अच्छा ये आप देखो जी, पानी तो नहीं पिलाया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तो पानी वानी पिलाकर तो मोटा नहीं किया? पानी वाला होता तो इसका पेट। एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसकी बात करते हैं। वो वाला भी उठा दोगे? छोटे उठाइयो, जरा ये वाला भी उठाना। उसके क्या है? 55 मांग रहा है। ये भी 55 है, वो भी, ये 55 बकरे, 55 वाले। अच्छा जी, ये सारे, ये जरा कुछ ऐसी प्राइस है जो हमारे लेने वाले जो हम लोग हैं उनके लिए कुछ जरा बेहतर प्राइस है।
शुक्र है इन्होंने 65 मुंह से नहीं बोला, 80 नहीं बोला, इन्होंने कहा जी 55 हजार। हाइट में थोड़े से छोटे हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा जानदार लग रहा है। बताओ कैसे है यार यहाँ से तो बिल्कुल। और वो वाला भी, वो भी 55 का, 7 बकरे 55 वाले। कौन से वाले? 3 इसके पीछे बैठे हुए। ओके ओके, ये सारे जो हैं भाई ये बकरे 55 हजार रुपए के हैं। इसको अब मुझे बताओ भाई क्या आपका इरादा है देने का? देने में ये 42 तक दे देंगे आप ही पाएंगे। 30 में नहीं मिलेगा अगर मैं 3 ले लूं? आप बोले 10 ले ले। अगर 30 में अगर बनता है तो तुमने 42 कह दिया, मैंने 30 कह दिया, मेरे आखिरी फाइनल ये कर सकता हूँ कि बच्चों के साथ आया हो 1000 रुपये और कम कर सकता हूँ। बच्चों के लिए 1000 रुपए भाई और कम कर रहे हैं बच्चों के लिए? यार मुझे एक बात बताओ, मुझे 1 लाख में 3 बकरे दोगे? 35-35 के हिसाब से दे दो, देख लो 35 के हिसाब से अगर दे सकते हो। दोबारे में होता दे देता सर। यार हमने अपना रेट लगा दिया 35 हजार रुपए। मैंने लेने वाली बात की और एक ही बात कर नहीं, मैंने भी लेने वाली बात की ना, गाड़ी में पैसे पड़े हुए, यहीं से कैश दूंगा, यहीं से बकरे उठाऊंगा, 3 बच्चे हैं मुझे, 3 बकरे ले लूंगा। हालांकि मेरा इरादा 3 का नहीं था, 2 का था, लेकिन अगर आप 35 के हिसाब से देते हो तो फिर मैं ले लेता हूँ। 35 का चलो। तो ये कुछ समझ में आ रहे हैं, पसंद आए हैं, अब इनसे रेट पूछते हैं। इसका बताओ पहले बीच वाले का। बीच वाला 240। ये देखते हैं। और वो वाला? वो वाला 270 का जी। 270 का जी। अच्छा जी, ये 240 का बता रहे और वो वाला 270 का बता रहे, और इसके क्या बता रहे? ये सर 220 की है। 220 की, ये भी सारे 2 से ऊपर की है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब हम क्या बातचीत करें जिसके ऊपर कोई प्राइस बन सकती है, कोई कीमत पर तुम आ सकते हो? हाँ, आ सकते हो। देखो मेरा जो बजट है ना, मेरा बजट है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का, सही है ना? अब इसमें से बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कोई ऐसा जानवर दे दो जो इस बजट में आ जाए? मुझे मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है और वो वाला भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ ये मुझे अगर 1.25 लाख रुपए के दे दो तो मैं अभी ले जाता हूँ। इसका क्या करोगे फाइनल? किसका? ये सर फाइनल 220 की होगी। ये नहीं देना नहीं है जी सर? देना नहीं है, देने के लिए आए हैं देने के लिए। लेकिन प्राइस देखो ना, क्या दे रहे हो, कीमत भी देखो ना भाई। देख भाई मैं खरीद, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ वीडियो के लिए नहीं आया हूँ, मैं खरीदने के लिए आया हूँ। सही ना? अभी देखो 10 दिन है, मुझे भी पता है कि 10 दिन है अभी। मेरी बात हो, बंदे जो है ना यार, ये बंद कराची में बस वीडियो बनाने वाले और सोशल वाले तमाम ज्यादा है। ये करते ही ऐसे है, लेने वाला वो आ गया बस भूल गया, लेने वाला वो ही बंदा आ गया बस। मेरे पास जो है ना, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, उसमें पैसे पड़े हुए। अगर तू मुझे बोलेगा कि भाई ये आपकी प्राइस पर मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं इसी वक्त आपसे ले लूंगा। लेने वाला ये नहीं बोलता तो पैसे मेरी गाड़ी में पड़े। नहीं नहीं, हमारे पास तो है ना, इसलिए लेने वाला है ऐसे। अब ये बताओ इसके क्या मालूम करोगे? वाला बंदा है मेरे को ये बताए, आप वीडियो बनाने वाला तुम बनाओ, बस रेट बनाओ कर। नहीं नहीं, रेट देखो, रेट लिख कर ऊपर दे दे। रेट वो वाले बताओ जिस पर लोग भी आकर आपसे खरीदे ना, इंशाल्लाह। आप तो मुझे बोल रहे हो 2.25 लाख और 2.5 लाख नसीब में होगा, इसका क्या फाइनल करोगे? उस वाली का वो बछड़ा है, सॉरी। हाँ वो बछड़ा है जी, बछड़ा। बछिया बताओ, ये बताओ, इसका फाइनल बताओ आप? 1.5 लाख रुपए फाइनल, 1.5 लाख रुपए। अगर 1.5 लाख रुपए है तो बता दो। नहीं ये बछड़ी देख रहा हूँ ना मेरी जान, बछड़ी बेहतरीन बछड़ी है भाई, बेहतरीन है। ओहो बता दो इसका, हो सकता है 1.5 में? नहीं सर, 1.5 में नहीं हो रहा जी। आ जाओ, क्योंकि बड़ी मेहरबानी, फजूल बात है। चलो शुक्रिया। वो सफेद वाली देख, वो काले वाली देख। कौन सी वाली? ये भी सारे तुम्हारे ही हैं? नहीं, ये नहीं यार, ये कितने में दे रहे हो आप बोलो?
तब तुम बोलो ना भाई, मैं क्या बोलूं। मैंने तो इसको बोला थे दो दस खूबसूरत है सर जी, ये कुर्बानी वाला है, बाकी जे वो है तो आपकी मर्जी। दे यार मेरी जान, ये वाला जी ये बता रहे हैं दो दस की जी, लेकिन यार मेरा जो दिल आया ना, मेरा एक उसके ऊपर आया, और एक यार चलो वो बछड़ा है वो नहीं वो भी है बेटा ही है जो वो, इसको भी तो खड़ा कर। इसका क्या है यार, वो वाली जी, वो वाली हाँ सही। इसके क्या मांग रहे हो सर? मांगने में तो मैं मांग रहा हूँ, मैं खरीदने वाला हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं खरीदने वाला हूँ, बार बार बता रहा हूँ भाई। इधर आ जा, सामने आ जा ना, तू भी इतनी दूर खड़ा हुआ है। हाँ इसका बता दो क्या मांग रहे हो। इसके सर मांग रहा हूँ 220। हाँ ये इससे भारी है। चलो भाई यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा सौदा बनेगा। आप भी बोलो। देखो मेरा सवा लाख रुपए का बजट था, मैंने 1.5 लाख रुपए उसके लगा दिए। हाँ। अगर तुम बोलते हो 1.5 लाख रुपए की तो वो मुझे दे दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। नहीं वो तो नहीं होगी, चलो वो खर्चे बड़े। चलो चलो बस यही है ना तुम्हारे, ये हैं वो बछड़े हैं। नहीं बछड़े नहीं, मुझे बछिया चाहिए। चले जी ये तो अपने, इसका लास्ट तुमने क्या बोला, लास्ट क्या करोगे, फाइनल बता दो बिल्कुल कि इससे नीचे एक रुपया मैं नहीं आऊंगा। उसके दो होंगे फाइनल। चले जी आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे भी जानवर हैं तो वहां चलकर देखते हैं। यार ही इज आस्किंग फॉर दैट वन, ही इज सेइंग के फाइनल 2 लाख। या एंड आई सेड 150। तो आ जाओ इम्तियाज, क्या मांग रहे हो भाई इसके? हाँ यार प्राइस ऐसी बताना जो बेचने वाली, अगर प्राइस पे दे रहे हो तो मुझे बता देना कि क्या मांग रहे हो उसके। सर ये आए पक्की खीरी काफी प्यारा, 90 ग्राम हो। नहीं नहीं खीरी ओ चोगे जान दंद हवा हिते का जान मुन हे बिड़ा जान भाई। इसके क्या मांग रहे हैं? इनके 240। ओए आप बता दे उसके क्या मांग रहे हैं, वो जो खड़ी हुई है जो अपना सर हिला रही है। अच्छा भाई बस यही है तुम्हारे? ना ये भी इधर बैठे हैं, ये हैं घरों पे। मुझे बछिया दिखाओ जो अच्छी, वो वाले तो तुम्हारे नहीं है ना? वो भी है, ये वाला जो है ये काला सफेद, मैंने उसको 1.5 लाख रुपए बोले। अच्छा खरीद, तेरी खरीद बड़ी 2 लाख रुपए की है भाई, तू दिखा दे भाई क्या है, कौन सा दिखा रहे हो मुझे? हाँ ये बछड़ा खड़ा करोगे तो अबे बैठे बैठे कहाँ से देखेगा बछड़ा, खड़ा करो। ये क्या मांग रहे हो उसके? दो दांत है? क्या मांग रहे हो? क्या कितने? 3 लाख। इस वाले के जी 3 लाख रुपए हैं, और अभी हम लोगों ने खरीदी है 2 दांत की, और बिल्कुल यही साइज है, इससे थोड़ा सी भारी है वो। अब वो हम लोगों ने खरीदी है 210 में, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ी सी कहां से कहां चली गई है। 3 लाख रुपए उफ। आ जा भाई, और ये वाला इसको भी उठा दे। इसके क्या मांग रहे हैं यार? ऐसी प्राइस बताओ ना जो खरीदने वाली। देखो एक होता है जो तुम लोग वीडियो पर बताते हो, एक होता है जिस पर हम खरीदेंगे, खरीदने वाली प्राइस बता दो। 95 है। 295 जी। तो 5,000 रुपए क्यों कम कर दिया भाई तुमने उससे? वो कोई मसला नहीं, खर्चा चले जी, खर्चा बहुत है जी इधर। और आइए देखते हैं इधर, और ये भी आपके ही खराब है। आ जाओ भाई, इधर कौन है भाई? क्या वो बंद है खुला हुआ?
खुला हुआ है तो भाई इधर देख ना, तू उधर ना देख भाई, तुम इधर आ जाओ, चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं, इधर से आओ, आ जाओ। कहे बच्चियां गए, वहीं खड़ी हुई है, आ जाओ। ये तुम्हारे जानवर है, कोई अच्छी कीमत है, कोई बेचने वाली कीमत है या बेचने वाली है? है? बेचने वाली है, बेचने वाली बच्चियां नहीं है क्या? बछड़ा नहीं है। बछड़ा ये वाला है कि क्या मांग रहे हो? इसके 280। ये उठाओगे? हाँ। भाई इसके क्या मांग रहे हो? चार कांधे। अरे यार, चार तो चार और दो का इतना फर्क नहीं, नहीं नहीं, वैसे क्या मांग रहे हो? इसके मांग रहे ये तो चार दांत वाली है। नहीं यार, ये किसका है भाई? ये आपका बॉस? आप भी तीन तीन चार चार पांच पांच लाख रुपए मांग रहे हो या अच्छे वाले रेट है, देने वाले रेट है? ये वाला बताओ। चार लाख। गुड। ये चार लाख में चार वो दांतों में। बच्चिया नहीं है? बच्चे एक छोटा बछड़ा है। कौन सा वाला? ये हाँ, ये सफेद और जो मुझे देख रहा है, इसके क्या मांग रहे हो? इसके 180। एक अस्सी। और ये जो खड़ा हुआ है, ये जो चित का बना, ये हो गया है। और वो जो खड़ा हुआ है कॉर्नर पर सफेद और वो, उसके 250। ओए होए भाई, क्या हो गया आज इस दफा? और यहाँ पर जो जानवरों के रेट हैं वो पिछली जो मंडी में गया था उससे तो ज़रा कुछ बेहतर लग रहे हैं मुझे। 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक के हैं, और लेकिन मसला ये है कि हमारे फिर भी बजट से इस वक्त आउट है। और थोड़ा सा अगर 2.5 लाख रुपए मांग रहा है तो मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपए का मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं हो रही। 10,000-20,000 रुपये ये लोग कम कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं। और क्योंकि अब 10 दिन रह चुके हैं, टेंट लगने वाला है घर के ऊपर, और अभी तक हम लोग एक बड़ा जानवर ले चुके हैं, 4 बकरे ले चुके हैं, तो अभी एक बड़ा जानवर मुझे और चाहिए, 2-3 बकरे और चाहिए। अगर डील बनती है तो फिर वेल एंड गुड, वरना देखते हैं। अब भाई इन्हें, इन सबको व्लॉग में ले लो यार, एक दफा इन सबको व्लॉग में ले लो। तुम लोग देखने के लिए आए हुए हो या तुम्हारे भी जानवर खड़े हुए? अच्छा भाई, ये लोग भी देखने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों को पता है बकरीद आती है, बच्चों के लिए खुशी होती है, जानवर देखने आते हैं मंडी। सारे मंडी लवर्स हैं भाई, इधर आ जाओ, इसका पता करते हैं। बॉस ये आपका क्या मांग रहे हैं इसके? यार कोई बेचने वाली प्राइस का हमारे लिए है कोई? 3.5 हो जाएगा है? 3.5। अच्छा, बच्चिया है आपके पास? ये दूसरी बच्चिया। इसके क्या मांग रहे हो? 4 लाख। यार ये मुझे अच्छा भी लग रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये बच्चिया जरा उसको भी खड़ा करना है, लेकिन ये वाली ज्यादा अच्छी है यार, इसके ऊपर कुछ बनाए बात। और बाबा इसके बताना, वो जो कॉर्नर पर जो ये जो अभी जो मोड़ है इधर, अरे यार कुछ सस्ता नहीं है भाई, इसके क्या बताएं आपने? 3.5। चलो कैश अभी इसी वक्त, चलो भाई आ जाओ भाई। तो अब देखते हैं जनाब, इस वक्त हम
बच्चियों का मैं देखता हूँ, बच्चियाँ शायद वो रही, वो आ रही हैं मेरे साथ गर्ल्स। तो यहाँ पर आज भी कोई ख़ास हमारा सौदा नहीं हुआ है, हालांकि इस दफ़ा तो मैं पैसे भी रख कर लेकर आए हुए हूँ कि अगर कोई सौदा होता है तो फौरन ख़रीद लेता हूँ। और आज मैं इन बच्चियों की वजह से आया था कि इन लोगों को बकरे चाहिए थे, तो लेट्स सी एक दफ़ा दोबारा उस बकरे वाले के पास चलते हैं और अगर उससे कोई बात होती है तो फिर वेल एंड गुड। तो आ जाओ इम्तियाज। ये वाले बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो भी खरीदे उसकी कुर्बानी कबूल करे। और हमारी यहाँ पर भी बात बनते हुए नज़र नहीं आ रही, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर है और मंडी भी खैर कम लगी हुई है। ज़रा ये देखो ना, ये जो खाली रखी है, ये पूरा बकरे के लिए है जगह, लेकिन ये पूरी खाली है, सिर्फ यही बकरे यहाँ मौजूद हैं। और ज़ाहिर है जब कम होता है, जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस उसी हिसाब से होती हैं। हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और आज एक और नाकामी के साथ हमें वापस जाना पड़ रहा है। कोई जानवर जो पसंद आ रहे थे वो 3.5-4 लाख रुपए के जानवर हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त प्राइस हाइक की हुई है इन लोगों ने, बहुत महंगे जानवर इस वक्त दे रहे हैं। और सबके पास एक ही है कि सर महंगाई बहुत है, महंगाई जिस तरह उनके लिए उसी तरह हमारे लिए भी है ऑब्वियसली। और बस यहीं पर ये व्लॉग हम ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आप लोग अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखेंगे, छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएंगे। और जिंदगी 4 दिन की है, खुशियां बांटें, प्यार बांटें। एंड इन द एंड ट्राइमा अमजद, एक मिनट कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इन द एंड प्लीज, ओके प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अमर फारूकी ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।